शाम हो गई है और शाम के खाने में कोई दाल बनानी है। दालें निकालती हूँ, साबा चने तो नहीं बनाने, दाल निकालती हूँ। मुझे ऐसे स्का बनी ना, तो बीच में सलाई बीच मस्सी पूरा है। अच्छा वो सगो लाना है, तो दाल निकालती हूँ, दिखाती हूँ मुझे को जो से बनेंगे वो नहीं वो बना लेती हूँ। नाए फातिमा सो गई है, आई था वाट चा पे वाट निकाल लेना रे। अम्मी जी बिस्तरों के तरफ गद्दों के कवर सिलाई कर रही है, तो मैं बस हांडी बना लो। नाए फातिमा सो रही है। हाँ जी, सारा कुछ पीछे पाके अम्मी जा। चने तो चने तो बाल ही ना आए आवे है, तो चने जे कल मुकाई गए, चने नहीं खो इन्होंने कल तो पे रखा दी, मसला भी पका ला फिर जल्दी ना हो जानी है। बस ठीक है, मैं लैके आनी ना कुछ चीज़ अंदर पाती सब सर। अम्मी जी पहले धो लो ना इन, अम्मी आ कोली गए ओद फैलाई है ता करके जो गई छोटी कोली थोड़ी गई, फिर कल दोपहर तक लंघे तो सही भाभी बच्चे ने भी आ जाने ना। आ कोली में कीती अम्मी जी पहले लैके चंगी तरह मैं तोला ना, फिर बिच पा दी नमकीन पानी से तोला ना। हाँ पहले तोला चंगी तरह है तो बिल्कुल साफ है, लेकिन एक दफा ना फिर तो लेनी है साफ हो जाती, फिर काफी बहन भाई भी आते हैं। हाँ तुम उ नहीं पता भी तो की पाई भाई जवेदर कूलर से पानी है ना। लिया लिया ही बेटा लिया। हाँ और फिर वड्डी लिया चल अच्छा आए लिया 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 अम्मी बच्चे थी, फिर भी हो गई थोड़ी जी बतेरी इन्नी की। ਇਨੀ ਬਸ ਕੀ ਇਹ ਆ ਉਹ ਗੋਲ ਜਿਹਾ ਕਾਲ ਗਿਆ ਕਿੰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਡੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੜਕਾ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਲ ਖੁੱਲੀ ਬੱਤ ਗਈ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬਸ ਅੱਧਾ ਦੇ ਕਿਲੋ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੋ ਦੋ ਵਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਚਣਿਆਂ ਦੇ ਦੋ, ਤੇ ਉਹ ਮਸਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਕਾ ਲੈਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਵਾਰ ਗੱਜ ਪੱਕ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਚਲ ਬਸ ਆਹ ਦੋ ਵਾਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਪੱਕ ਗਈ। ਅੱਛੇ ਤੇ ਦਾਲ ਕੋ ਨਾ साफ कर लेती हूँ, क्योंकि हमारा नमकीन पानी है ना, अगर एक दफ़ा नमकीन पानी में कर लेना दाल डाल दे कोई भी चीज़ डाल दे वो दोबारा से ना गलती नहीं है। फिर दाल को अच्छे से साफ कर लेते हैं, उसके बाद इसमें से ना नमकीन पानी बिल्कुल निकाल देना, सारा नमकीन पानी निकाल देना। मैनू लगता है सैड तो निकल जाता है, बस हो ले उन देर तक मैं आटा गोलना। मैं फातिमा क्या कर रही हो? चाची और डैड क्यों आगे वहां पीछे हो जाता ओ गंदू बच्चा। चाची जी तुसी आटा गांदे पे? हाँ जी, क्योंकि शाम जब मैं जो दम कराउन गई मैनू इदी याद पिछे आंदी सी।
ਜਿੱਦੇ ਨਾਲ ਦਮ ਕਰਾਉਣ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਹਾਂ ਹੀਰਾ ਵੀ ਤੋਂ ਗਈ ਸੀ ਨਾਮ ਹੋਈ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਚਲੋ ਨੰਗਾ ਉਹ ਸਟੇਰਿੰਗ ਮਰੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ अम्मी जी आटा बनाने डूबिया वास्ते पे है अरे पता देखो पापा कह रहे इधर आओ गाड़ी लेके बहुत दिन हो गए मैं पराठा भी सही बुझता रह जाने पता नहीं क्यों मसूर की दाल बॉयल हो गई अनाया फातिमा बेटा कपड़े ना गंदे करना शना ओए मैंने थोड़ा सा ना लहसुन छिल के रख लिया इसको बारीक कूड़े में पीस के थोड़ा सा पानी लगा के थोड़ा सा घी डाल के इसको अच्छे से ना बिल्कुल बारीक पीसना इसको फ्राई पैन मैंने रख लिया है तो के अब इसमें जो है ना लहसुन का पेस्ट जो मैंने बनाया वो डाल देती हूँ और साथ में थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ ताकि ना इसको अच्छे से बॉईल कर लूँ उसके बाद थोड़ा सा ना घी डाल दूँगी और इतनी देर तक मैं प्रेशर कुकर तेल पे दाल मेरी सॉरी मसूर की दाल जो है ना वो मेरी बॉयल हो गई है माशाल्लाह चक्कर ज़बरदस्त मेरी मसूर की जो दाल है ना वो बॉयल हो गई और ये लहसुन है ना इसको बारीक पीस लेना है बारीक पीस लेती हूँ इसको कूड़े के साथ ना इसको बारीक डंडे के साथ इसको बारीक पीस लेती हूँ नीचे उतार के और यहाँ पे मैं लगा बॉयल हो रहा है दाल मेरी माशाल्लाह से अच्छे से नरम हो गई चेक कर सकते हैं और यहाँ पे लहसुन भी बॉयल हो गया और अब जो है ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें घी डाल देती हूँ और मेरी गुड़िया रानी जो है ना वो इधर रो रही है माशा टुटू रहने मैंने अभी तो टुटू गमन करना है अपने बेटे के लिए मैं टुटू गमन करके ठंडा करके देती हूँ अपनी जान को मैं हांडी बा लेना फिर टुटू देती है अपने बेटे को मैं टुटू देती हूँ अपनी बेटी को माशा मैं टुटू गमन करके देती हूँ थोड़ा सा ना इसमें मैंने मसाला डालना है किधर क्या मसाले का डिब्बा क्या लेना है मेरी जान ने टिट्टू लेना है आंसू देखे इसके मेरी बेटी क्या आंसू चेक करे अनाया बस बस अभी भी कलमा जो है ना लहसुन की तो गलती कर दिया मैं पहले बारीक पीस के ना बॉयल तो हो ही जाना था बारीक पीस के डाल देती मैंने बस गलती करी है जी बचा जाना
जी बेटा थोड़ा सा इसको पका लूँ और मैं पहले नया फातिमा करीना पीडा तैयार कर दूँ।